मक्कमा खैर पख्तूनख्वा बहबूदी आबादी की कारकर्दगी वैसे तो सिफर है, लेकिन फंड इसी जरूर मिल रहे हैं। फंड मिलने के बावजूद इस महकमे की कारकर्दगी का ये हाल है कि लतीफाबाद, बख्शुपुल और हजारखानी में इसके 3 दफातर बंद कर दिए गए हैं। सबब है किराए की इमारतों में कायम दफातर का किराया न अदा करना। लतीफाबाद में वाक़ सेंटर का किराया गुज़श्ता 1 साल से अदा नहीं किया गया। इस दफ्तर का माहाना किराया बनता है सिर्फ 5,000 रुपए। लोगों ने मुझे साफ बात की कि बेटा हमारे पास फंड नहीं है। जब पूछता हूँ कब तक फंड नहीं होगा, कह रहे थे कि बस पता नहीं कब तक होगा। दिलचस्प अमर तो यह है कि एक तरफ दफातर के किराए की अदायगी के लिए महकमे के पास पैसे नहीं, लेकिन दूसरी जानब मुलाजमीन को तनख्वाहें बदस्तूर अदा की जा रही हैं। जिले हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इस वक्त पेशावर में इस महकमे के 65 दफातर काम कर रहे हैं, जिनमें से 45 किराए की इमारत में कायम है। अगर आप सारी दुनिया में देखें तो फंड्स तो सर इतने अनलिमिटेड नहीं होते कि हम हर डिपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग बनाएं, अलग बिल्डिंग बनाएं। ये तो सारे जितने फंड्स हैं सूबे के पास उसके मुताबिक वो सेंटर बनाते हैं। दफातर बंद होने की वजह से यहाँ इलाज के लिए दूर दराज इलाके से आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा बहबूदी आबादी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए तो फंड मौजूद है, लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर दफातर का किराया अदा करने के लिए महकमे के पास 1 रुपये तक नहीं। कैमरामैन नासिर नईम के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।